हाय फ्रेंड्स, ट्रेडवलो स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे आखिरकार क्या है हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप को ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का लॉस हुआ है सिर्फ 3 दिनों में। हम समझेंगे जो टॉप 5 पॉइंट हैं इस रिसर्च की, जो 5वां एलिगेशन है वो है रिलेटेड टू केतन पारेख। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च का परफॉर्मेंस कैसा था। अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो 11 में से 9 कंपनियां नेगेटिव में ओपन हुई और 3 महीने में कुछ कंपनी ऐसी थी जिन्होंने अपनी 90% वैल्यू खो दी और यहां पे कुछ कंपनियों को डायरेक्टर के सीईओ को जेल तक जानी पड़ी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे काम करते हैं, सबसे पहले ये एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ये करते हैं शॉर्ट सेलिंग। जो भी इनको लगता है कि हाँ ये ओवर वैल्यूड हो, वो क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं एंड फिर वो अपनी रिपोर्ट करते हैं पब्लिश कि देखो भैया ये तो बहुत खराब शेयर, अब ये गिरने वाला है। तो जैसे ही ये जो न्यूज है वो मार्केट में आती है, जो शेयर है वो नीचे गिरता है और इनको होता है बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो ये है इनका काम करने का तरीका। चलिए समझते हैं एलिगेशन क्या है। जो सबसे पहला एलिगेशन है कि गौतम अदानी की जो नेटवर्थ है 120 बिलियन की, उसमें से जो 100 बिलियन है वो लास्ट के 3 ईयर में ही आया है। अगर हम अदानी ENT का शेयर देखें, 2021 के अराउंड यहाँ पे लगभग 120 रुपए थी और आज यहाँ पे 3000 भी इसको बोले तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं 15x to 20x हो चुका है। अदानी ग्रुप्स के जो 7 कंपनी अगर उनको हम देखें तो हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पे अगर एक साल का एवरेज लें तो वो आता है अराउंड 90%, 3 साल का एवरेज लेते हैं तो वो आता है अराउंड 600%। 3 साल में जो शेयर की वैल्यू वो बढ़ चुकी है 600%, यानी कि पहला एलिगेशन काफी हद तक सही है। जो दूसरा एलिगेशन है वो है हाई डेब्ट का। रिसर्च के अनुसार कंपनी क्या करती है, डेब्ट उठा रही है, उसको वापसी से पंपिंग कर रही है शेयर में, जिसकी वजह से वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम डेब्ट टू एबिटा रेशियो देखें, यानी कि आपके पास कितना डेब्ट है और आपका कितनी कमाई हो रही है, अगर डेब्ट टू अर्निंग रेशियो देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये टॉप 5 कंपनी है इसमें कितनी ज़्यादा डेब्ट है। कुछ कुछ कंपनियों में ये अराउंड 90% तक डेब्ट है, यानी कि दूसरा एलिगेशन भी यहाँ पे सही साबित हो रहा है। दोस्तों, जो तीसरा एलिगेशन है कि जो अधिकतर प्रोमोटर है उन्होंने अपने शेयर प्लेज कर दिए। प्लेज करने का मतलब क्या होता है, इन्होंने अपने जो शेयर है वो बैंक को गिरवी दिए हैं एंड उस पर उठाया लोन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, इसमें 25% 17% तक की प्लेजिंग हो चुकी है। प्लेजिंग दोस्तों ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, जो चौथा एलिगेशन है वो है रिलेटेड टू ओनर्स। सेबी ने रूल बना रखा है कि जो ओनर्स हैं, प्रोमोटर ग्रुप है, उनके पास 75% से ज़्यादा की ओनरशिप नहीं होना चाहिए। बट रिसर्च के अनुसार वो क्या कह रहे हैं, हम देख सकते हैं कि 75 के कितना करीब है। उन्होंने अपनी जो ओनरशिप वो नेम से के लिए 75% से कम रख रखी है। रिसर्च में उन्होंने मॉरिशस की कुछ ऐसी फर्जी सेल कंपनियों के बारे में बताया जिसका सिर्फ एक ही काम है, वो है अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना। हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे 99%, 89%, 97%, 98% अप टू 100% सारा का सारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, अदानी ग्रुप में जा रहा है। यानी कि बहुत हद तक ये माना जा सकता है कि ये सब सेल कंपनी यहाँ पे हो सकती हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है कि जो ये बचा हुआ 10% है, 0.92 है, 5.9 है, 4% है, ये भी क्या है, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है कंपनी। यानी कि 75+10 यानी कि 85% ऑफ द जो टोटल शेयर वो कंट्रोल कर रही है प्रोमोटर ग्रुप, यानी कि बचा कितना 15% से अब ये सारा गेम। सप्लाई जितनी कम रहेगी, प्राइस में थोड़ी सी भी हलचल होगी तो प्राइस बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बढ़ता है। यही एक रीजन बताया जा रहा है कि मार्केट में, क्योंकि शेयर की संख्या बहुत कम है, सिर्फ 15% है, तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, इसीलिए इतने कम समय में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी आरोप लगाया है कि केतन पारेख के साथ मिलकर इन्होंने अदानी स्टॉक में ऑलरेडी बहुत सारी मैनिपुलेशन की थी 1999 में, 2001 में। उन्होंने यहाँ पे प्रूफ भी दिया है कैसे यहाँ पे नवंबर-दिसंबर 1999 में जो अदानी का स्टॉक था कैसे 495 से 1300 चला गया। लगभग ऐसा ही कुछ हमको पिछले 3 सालों में भी देखने को मिला है। और यहाँ पे रिसर्च ग्रुप ने कुछ पुराने जो केसेस हैं सेबी ने जिस पे एलिगेशन लगाए थे उनका यहाँ पे उन्होंने डिटेल बताया है। केतन पारेख को 2001 के बाद उनको बैन कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे रिसर्च बता रही कि इन्होंने क्या अपना ठिकाना बदल लिया, अब चले गए हैं ये लंदन में और वहाँ से ये बता रहे हैं कि आज भी जो रिगिंग ऑफ स्टॉक है, मैनिपुलेशन है, वो आज भी जारी है। रिसर्च ग्रुप ने केतन पारेख की जो डॉटर है उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जाके चेक किया और पाया कि वो काम कर रही है एलारा कैपिटल में, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द जो होल्डिंग है वो किसकी है, अदानी ग्रुप की है। यानी कि जो ये रिगिंग है, मैनिपुलेशन है, आज भी चल रहा है लंदन के उस ब्रोकरेज फर्म से।
इसके साथ इन्होंने और भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए, जैसे कि जो ये सेल कंपनी है सबकी जगह वेबसाइट जो देखे ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है, और साथ में ये भी बताया कि कैसे जो टॉप 25 पोस्ट हैं कंपनी में, जो वेरियस जो पूरी अदानी ग्रुप है उसकी जो टॉप पोस्ट है उसमें 25 में से जो 8 है जो कि 33% से जो ज़्यादा पोस्ट है वो किनके पास है, अदानी फैमिलीज के पास है। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो फर्म थी जिसने ऑडिट करने के लिए आई थी कंपनी का, उसमें जो लोग थे वो 23 और 24 साल के थे। तो जो रिसर्च है इंटरव्यू रिसर्च जो पूछ रही है कि कब से 23-24 साल के लड़के $100 बिलियन की जो कंपनी है उसको ऑडिट करने आ गए। उसमें सिर्फ 4 ही पार्टनर थे और टोटल 11 एम्प्लॉय थे। आप समझ रहे हैं, $100 बिलियन की कंपनी है, रिसर्च करने वाले जो ऑडिट करने वाले आ रहे हैं 23 और 24 साल के हैं, एंड कैसे वो ये ऑडिट कर सक, यहाँ पे ये आरोप ये भी लगा रहे हैं। उन्होंने साथ में आरोप लगाया कि कंपनी की पी रेशियो बहुत हाई है। पी रेशियो मतलब क्या है, जो शेयर का कितना प्राइस है एंड एक शेयर पे उसको कितनी अर्निंग हो रही है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझे कि अगर हम शेयर आज के टाइम पे खरीद लेते हैं तो उसको कितना साल लगेगा डबल होने में। यहाँ पे हम इंडस्ट्री का एवरेज देख सकते हैं जो कि है 24x, बट यहाँ पे अदानी के जो ग्रीन एनर्जी के शेयर है यहाँ पे कितना 815x, यानी कि 815 साल लग जाएंगे इसे अपना जो इसकी शेयर की वैल्यू है वो कमाने में, इसको 815 साल लग जाएंगे। यहाँ पे 500 साल लगेंगे, 831 साल लग जाएंगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। यानी कि हाई पी रेशियो मतलब कि ये कभी भी यहाँ पे जो क्रैश कर सकता है नीचे की तरफ। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कैसे इन्होंने पैसे की रीराउटिंग की, कैसे इन्होंने बहुत सारी सेल कंपनियाँ खोल दी, एक दूसरी कंपनी को लोन देते रहे इत्यादि। जिन हालांकि अदानी ग्रुप्स ने एक 400 पेज का जो जवाब है वो दिया है। ये सारे एलिगेशन कितने सही हैं कितने गलत हैं ये मार्केट खुद ही डिसाइड करेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुँचा सके। धन्यवाद।